नमस्कार। क्या आपको लगता है कि आप इस जिंदगी से निराश हो चुके हैं? क्या आपको लगता है कि आप जिस चीज में भी हाथ डालते हैं वो काम होता नहीं है, और आप हर तरह के उपाय अब तक कर चुके हैं और आपको अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ? 1000 से भी ज्यादा लोग इस उपाय को कर चुके हैं जो हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, और हो सकता है कि ये उपाय आपके बहुत काम आ जाए, और शायद ये एक उपाय करके आप अपनी मंजिल पा लो। यदि आपका कोई काम नहीं चल पाता, यदि आपका विवाह नहीं हो पाता, यदि आपका धन नहीं रुक पाता, या घर में कलेश होता है, या जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उनमें हमेशा आपको परेशानी कुछ ना कुछ घेरे रहती है, तो आप इस वीडियो में बताए हुए उपाय को जरूर कीजिएगा। मेरा दावा है आपको अवश्य लाभ होगा। नमस्कार, मैं पंडित दिवाकर वशिष्ठ और आप देख रहे हैं JDJ एस्ट्रोलॉजी। दरअसल आपने अपनी जन्म कुंडली बहुत सारे विद्वान लोगों को दिखाई होगी, या आपकी कुंडली ना हो ऐसा भी संभव है, उसके बावजूद भी आपने बहुत सारे उपाय किए हो जीवन में, लेकिन किसी भी उपाय का कोई फायदा नहीं मिला हो। ऐसा जब होता है जब कहीं ना कहीं हमारे पितृ, हमारे पूर्वज हमसे नाराज होते हैं, और पितृ ऋण पितृ दोष नामक एक योग हमारी कुंडली में भी पड़ा होता है, लेकिन कभी कभी उसके बारे में पता ही चल पाता या फिर उसका अच्छा कोई उपाय नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो में आपको यही पता चलेगा कि ऐसा सटीक उपाय हम आपको इस वीडियो में देंगे जिसे करके आप पितृ ऋण पितृ दोष से निजात पालोगे, और यकीन मानो एक वर्ष के अंदर अंदर आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। आप देखिएगा, हमारे जो पूर्वज होते हैं वो उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया होता है, या कुछ ऐसे कर्म उन्होंने कर रखे होते हैं जिसकी वजह से आगे आने वाली पीढ़ी, आगे आने वाली संतान उस उनके किए हुए कर्मों का फल भोगती है, और ऐसे में कुंडली में पितृ ऋण पितृ दोष बन के आता है। जब तक हम उन दोषों को खत्म नहीं कर ले, हमारे जीवन में हमेशा संघर्ष लगा रहता है। आप कितना भी उपाय कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक आप उन पितरों को शांत नहीं करोगे या उनके दोषों को शांत नहीं करोगे, आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो वह क्या उपाय है जिसको आप कर सकते हैं? तो आप अगर आप इस वीडियो को 10 जून से पहले देख रहे हैं तो आप भाग्यशाली लोगों में से एक हैं, और यदि आप उसके बाद देख रहे हैं तो आप इस उपाय को आगे कर सकते हैं, लेकिन 10 जून को यदि आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपको विशेष फल मिलेगा। उपाय क्या है? 10 जून 2021 दिन गुरुवार, और इस दिन है अमावस्या तिथि, और यह कोई साधारण अमावस्या नहीं है, इस दिन शनि जयंती है, और शनि कौन है? न्याय के देवता, कर्म फल दाता, यम के भ्राता, सूर्य के पुत्र। मरने के बाद यमराज हिसाब किताब रखते हैं, और जीवित व्यक्ति का हिसाब किताब शनि महाराज के हाथ में है। तो शनि जयंती के साथ ये अमावस्या है, क्योंकि ज्येष्ठ माह के महीने में शनि जयंती पड़ती है अमावस्या में, और इस दिन अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आपको और अमावस्या पर किए जाने वाले उपाय से 1000 गुना फल मिलेगा, और आपके जो पितर हैं वो संतुष्ट हो जाएंगे। पितरों को क्या चाहिए? वो कब आपको आशीर्वाद देते हैं? जब आप उनके बारे में सोचते हैं। भोजन, वस्त्र, समय समय पर उनको याद करना, ये सब जब आप करते हैं तब पितर आपसे संतुष्ट होते हैं, और जब आप उनको भूल जाते हैं तो वह आपसे नाराज हो जाते हैं, और हर तरह की परेशानियां आती हैं। इस वीडियो में मैं ये नहीं बताऊंगा कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं, अगर आपको वो जानना है तो कमेंट करिएगा, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन हर व्यक्ति आज परिचित है इस बात से कि पितर जिसके रूठ जाएं उसको परमात्मा भी फल नहीं देता, तो उन्हें मनाने के लिए एक उपाय है। आप आपकी कुंडली में पितृ ऋण हो या पितृ दोष हो, दोनों अलग अलग होते हैं, कोई भी हो, लेकिन आप इस उपाय को करिएगा। उपाय क्या है? अमावस्या की रात्रि यानी सूर्य छुप जाने के बाद आपको यह उपाय करना है। आपको उपाय करने के लिए जो सामग्री चाहिए वो इस प्रकार से है, आपको 2 मिट्टी के दीपक चाहिए, और उन दीपक के अंदर आप बत्ती लगाओगे, और बत्ती खड़ी वाली बत्ती नहीं होगी, लेटी हुई होगी, जिसके 2 कोने होते हैं बत्ती के।
लेटी हुई बत्ती होगी और एक दीपक में आप क्रॉस करके दो बत्ती डालोगे जिसके चार फेस हो जाएंगे। ऐसे दो दीपक आपको तैयार करने हैं मिट्टी के। दीपक के अंदर आपको एक में सरसों का तेल भरना है और एक में देसी घी का दीपक तैयार करना है। दो अलग अलग दीपक तैयार करने हैं। कच्चा सूत, कच्चा धागा जिसको हम पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी पीपल पे लपेटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस तरह का कच्चा सूत आपको लेना है सफ़ेद रंग का। और आपको इमरती या फिर जलेबी, इन दोनों में से कोई एक मिठाई लेनी है। इसके अलावा आपको एक मिट्टी के बर्तन में दूध लेना है। यदि आपको मिट्टी का बर्तन ना मिल सके तो आप फिर किसी और बर्तन में ले सकते हो, जैसे कि आप डिस्पोजल ग्लास में ले सकते हो दूध को, लेकिन मिट्टी का मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। दीपक भी यदि मिट्टी के आपको ना प्राप्त हो तो आप फिर दूसरे प्रकार के दीपक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता मिट्टी को देना। इस सामग्री को आपको लेना है, दोबारा सुन लीजिए, दूध एक कुल्हड़ या एक बर्तन के अंदर थोड़ा सा दूध 100-200 ग्राम के आसपास, और जलेबी या इमरती, दो दीपक, कच्चा सूत। ये सामग्री लेकर के आपको ऐसे पीपल के वृक्ष के पास जाना है जिसकी पूजा होती हो। ऐसा पीपल का चुनाव नहीं करना जो निर्जन वन में हो, खाली स्थान पर हो, जिसके पास कोई जाता ना हो। आपको किसी मंदिर के अंदर कोई पीपल मिल जाए या फिर कोई ऐसा पीपल हो जिसकी पूजा पाठ लोग करते हों, वहां जाना है ये सब सामग्री लेकर। वहां जाकर के आपको क्या करना है, आपको दोनों दीपक जलाने हैं। एक दीपक की चार बत्ती है तो दोनों दीपकों को जलाना है। दूध और मिष्ठान आपको पीपल देवता के पास रखना है। और कच्चा सूत, यदि आप पीपल की परिक्रमा लगा सकते हैं तो कच्चा सूत लेके साथ परिक्रमा करके बांध दीजिए पीपल पे। और अगर परिक्रमा नहीं लगा सकते तो आप कच्चे सूत को लीजिए और ऐसे करके 7 बार अपनी उंगली पर लपेट के बाकी का सूत तोड़कर पीपल पर रख दीजिए। और आंखें बंद करके प्रार्थना रूप में अपने पितरों का स्मरण करिए और अपने पितरों से प्रार्थना करिए, हे मेरे पितृ देवताओं, मुझसे या मेरे परिवार के अन्य सदस्यों से कोई गलती, कोई भूल हो गई है तो क्षमा कीजिए। हमारे जीवन में इस प्रकार का कष्ट है और आपके आशीर्वाद से वह कष्ट दूर हो जाए। इस तरह से प्रार्थना करिए, मेरा अमुक कार्य बन नहीं रहा, मान लीजिए आपके परिवार में बेटा बेटी की शादी नहीं हो रही तो उसके लिए प्रार्थना करिए। आपका कोई काम काज नहीं चल पा रहा उसके लिए प्रार्थना करिए। आपको जॉब नहीं मिल रही उसके लिए प्रार्थना करिए। और उनसे प्रार्थना करिए करबद्ध होकर के, माफी मांगते हुए, और फिर प्रणाम करके ये कहिए कि मैंने आपके लिए भोजन वस्त्र के रूप में, आपने उनको कच्चा सूत चढ़ाया है तो भोजन वस्त्र और दीपक, दीपदान, ये दो तीन चीजें आपने उनके लिए की हैं। आप संतुष्ट होइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए, ऐसा आपको प्रार्थना के रूप में कहना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना ये है कि इस अमावस्या से लेकर आपको एक साल तक जितनी अमावस्या आएंगी, प्रत्येक अमावस्या पर आपको दो दीपक, इसी प्रकार के दीपक बनाने हैं, दो और कुछ नहीं लेना, इसी प्रकार के दो दीपक बनाने हैं और सूर्य छुपने के बाद शाम को आपको पीपल पे जलानी है। पूरे एक वर्ष तक यानी कि 12 अमावस्या आपको ये उपाय दोहराना है। और इस उपाय को करने के बाद जब 12वीं अमावस्या पर आप ये उपाय करेंगे तो उसके अगले दिन आप एक ब्राह्मण को वस्त्र और पैसे दे देंगे, थोड़ा भोजन भी करा देंगे, भोजन और वस्त्र देंगे और थोड़ा सा उनको जो है द्रव्य दक्षिणा देंगे, भोजन कराएंगे, वस्त्र देंगे और चरण स्पर्श कर लेंगे। एक वर्ष तक आप ये उपाय को कर लीजिए, पहले महीने से ही आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। मैं बहुत लोगों को करा चुका हूं, बहुत लाभ ले चुके हैं। और इसमें खास बात कि इस उपाय को खास करके पुरुष लोग करें, महिलाएं ना करें। और किसी अभाव में पुरुष ना कर सके तो महिला इस उपाय को करे, अन्यथा पुरुष ही इस उपाय को करे। और घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस उपाय को कर सकता है। 14 वर्ष से
कम आयु वाले बच्चे इस उपाय को नहीं कर सकते, उनके लिए अलाउ नहीं है। बाकी के इससे बड़ी उम्र के कर सकते हैं। परिवार के अंदर एक पिता करे, पिता ना कर सके तो पुत्र करे। तो इस उपाय को करिए, आपको निश्चित निश्चित फल मिलेगा। वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और कमेंट में जाके श्री हरि लिखिएगा, इससे हमें पता चलेगा कि आपने वीडियो को यहां तक देखा है। और इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करिएगा। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे, तो आप हमें सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबाइएगा और इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि 10 तारीख नजदीक है, ताकि उनके पास ही जल्दी से जल्दी ये वीडियो पहुंच जाए। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।